राम राम रघुराय, दशरथ नंदन सब सुखदाय, राजीव नयन अतुल अभिराम। राम ही भक्ति राम ही शक्ति, नाम जपे जो पाता मुक्ति, भक्तों जप लो राम का नाम। राम मेरे है मुक्ति धाम, कण कण में है राम समाया, घट घट वासी श्री रघुराया, सुबह शाम जो राम को ध्याए, राम की कृपा सदा ही पाए। राम रूप दशरथ घर आए, कौशल्या के भाग जगाए, सारी अयोध्या नाचे गाए, नगर निवासी मौज मनाए। राम नाम सुख धाम है, चहु दिस राम ही राम, प्रभु राम रघुवंश मणि, कोटि कोटि प्रणाम। बोलो राम सीता राम, सीता राम जय जय राम। बोलो राम सीता राम, सीता राम जय जय राम। श्री हनुमत ने राम को ध्याया, स्वामी रूप में रघुवर पाया, चरणों की सेवा भी पाई, जब जब होती धर्म की हानि, बढ़ते नीच अधम अभिमान, राम रूप भगवान है आते, दुख कट जाते हैं। राम दुलारे सब रखवारे, भक्तों को भव से पार उतारे, राम ही परम पिता परमेश्वर, राम ही भगवान राम ईश्वर। राम नाम की बड़ी है माया, जिसने राम के नाम को गाया, राम को हृदय जिसने बसाया, मोक्ष परम पद उसने पाया। रामचंद्र से भी बड़ा भक्तों राम का नाम, जिसने मन से ये जपा पूर्ण हो गए काम। बोलो राम सीता राम जय जय राम। बोलो राम सीता राम जय जय राम। नार अहिल्या श्रापित नारी, राम राम जपती बेचारी, गुरुवर संग में वन को आए, चरणों की रज उसको थिछुआई, शाप मुक्त नारी करवाई, राम राम वो गाती जाए, लोक में कुंठ को जाती जाए, लीला करने वन को आए, गंगा तीरे रघुवर आए, केवट राम के नाम को गाए, राम प्रभु ने भाग जगाए, चरणामृत के वट ने पाए, रघुवर गंगा पार कराए, केवट भव से पार लगाए। जादू राम के नाम का भक्तों पे चढ़ता जाए, राम नाम अभिराम है भक्तों के काज बनाए। बोलो राम सीता राम जय जय राम। बोलो राम सीता राम जय जय राम। वन वन भटक रहे रघुराय, पत्नी सीता गई चुराई, रावण पुष्पक लेकर जाए, रावण के संग युद्ध लड़ाया, पक्षी राज ने खड़ग तकाया, प्रभु भक्ति में प्राण गवाया, अंत समय प्रभु नाम को गाया,
घायल अवस्था राम को ध्याय, रामचंद्र गोदी में लिटाए, जटायु ने मृत्यु को पाया। ऋषि मूक पर्वत नियराया, सीता ढूंढ रहे रघुराया, सुग्रीव संग मैत्री थी कराई। सुग्रीव राम के नाम को गाई, राम ने बाली मार के सुग्रीव को दिया राज। गुण प्रभु राम के नाम का गा रहा अखिल समाज। बोलो राम सीता राम, सीता राम जय जय राम। बोलो राम सीता राम, सीता राम जय जय राम। एक भीलनी राम को ध्याए, राम राम बस राम ही गाए, प्रभु कुटिया में कब आएंगे। राम नाम की ऐसी माया, प्रभु ने उसको दर्श दिखाया, झूठे बेर थे उसके खाए। हनुमत राम का परम पुजारी, राम नाम की महिमा उचारी, राम मुद्र का मुख में डाली, लंका में दिया राम सुनाई, विभीषण से मैत्री की कराई, राम नाम दोनों को मिलाए। हनुमत सिया की सुधी है पाए, राम नाम की मुद्रिका मात सिया को दीन। जय श्री राम का घोष किया, लंका जला ही दीन। बोलो राम सीता राम, सीता राम जय जय राम। बोलो राम सीता राम, सीता राम जय जय राम। राम नाम महिमा अति भाए, पानी में पत्थर तैराए, असुर भी राम के हाथों मर के मर्यादा से जीना सिखाए, मर्यादा पुरुषोत्तम धाय, सबसे बड़ा है जग में नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जिस जिसने प्रभु राम को ध्याया, उसने राम प्रभु को पाया, घट घट में प्रभु राम समाया। जो भी करता राम की भक्ति, भक्त वो पाता अनुपम शक्ति, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक बन गए भगवाना। राम नाम की महिमा है भक्तों अपरंपार, जिसने राम को ध्यान लिया बेड़ा हो गया पार। बोलो राम, सीता राम जय जय राम। बोलो राम, सीता राम जय जय राम। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम जगती है ज्योति, लूट लो भक्तों भर भर झोली, राम नाम जो निस दिन गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। राम राम बस राम ही कहिए, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, कौशल्या के प्यारे राम, लखन के राज दुलारे राम, भरत राज के प्यारे राम, सीता आँख के तारे राम, अयोध्या राज दुलारे राम। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट,
सीता राम जय जय राम, बोलो राम सीता राम, सीता राम जय जय राम। रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, अपने पिता के वचन निभाए। भरत राज लेने को आए, राम प्रभु को मना नहीं पाए, चरण पादुका लेकर धाए। राम वचन की लाज निभाए, राम राम बस राम पुकारे, सारी सृष्टि राम सहारे, सबके दुखों को राम उबारे। राम जपो सब सांझ सकारे, राम नाम ही महामंत्र है, मुक्ति का यहाँ एक तंत्र है, भव सागर का राम किनारा। राम नाम सच्चा है सहारा, सीता राम सीता राम सीता राम कहो, जाहि विधि भक्तो राखे राम, ताहि विधि रहो। बोलो राम सीता राम, सीता राम जय जय राम, बोलो राम सीता राम, सीता राम जय जय राम। राम के नाम को भजने वाला, राम की माला फेरने वाला, राम चरण रज धूली पाता। वेद पुराण सभी ने गाया, राजा राम राम रघुराया, राम की निंदा करे जो कोई। मन में रहेंगे जब श्री राम, तभी बनेंगे बिगड़े काम, राम नाम दुखड़े हैं मिटाए। राम नाम सृष्टि आधारा, राम बिना कोई उतर न पारा, राम नाम जो दीप जलाए। राम कृपा जीवन में पाए, भक्तों राम का नाम जपो सुबह चाहे शाम, आठ पहर चौसठ घड़ी जपना राम का नाम। बोलो राम सीता राम जय जय राम, बोलो राम सीता राम जय जय राम। भक्तों कर लो राम की भक्ति, मिले कि तुमको अनुपम शक्ति, जिस पे राम कृपा बरसाए। पुरुषों में सबसे उत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आदि मध्य और अंत है राम। आरंभ है अंत है राम, राम नाम अनमोल रतन है, सबसे पावन राम भजन है, राम नाम जग में है साचा। राम नाम को मन से ध्याए, आओ चंदन तिलक लगाए, राम नाम अमृत को पाए। राम की चरण शरण में आए, राम नाम से जीव का होता है उद्धार, भव में नाव न डोलती हो जाती है पार। बोलो राम सीता राम जय जय राम, बोलो राम सीता राम जय जय राम।
राजा राम तेरी आरती उतारूं। उतारूं मैं तन मन वारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारूं। वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, इन चरणों में जीवन वारूं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती दुनिया सारी, इन चरणों को सदा पखारूं। हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, मैं सुन सुन निज जन्म सवारूं। रघुवीर भक्त हितकारी, सुन लीजे प्रभु अरज हमारी। निस दिन ध्यान धरे जो कोई, ता सम भक्त और नहीं होई।
शिव जी मन माही ब्रह्मा इंद्र पार नहीं पाही। जय 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 रघुनाथ कृपाला सदा करो संतन प्रतिपाला। दूत तुम्हार वीर हनुमाना जासु प्रभाव तिहूँ पुर जाना। तब भुज दंड प्रचंड कृपाला रावण मारी सुरन प्रतिपाला। तुम अनाथ के नाथ गोसाई दीनन के हो सदा सहाय। ब्रह्मा दिक तब पार न पावे सदा ईश तुम्हरो यश गावे। चारों वेद भरत है साकी तुम भक्तन की लचारा की। गुड़ गावत शारद मन माही सुर पतिता को पार न पाही। नाम तुम्हार लेत जो कोई तासम धन और नहीं हो। राम नाम है अपरंपारा चारयु वेदन जाई पुकारा। गणपति नाम तुम्हारो लीनो तिनको प्रथम पूछे तुम कीनो। शेष रटत नित नाम तुम्हारा मही को भार शीश पर धारा। फूल समान रहत सोभारा पावन को तुम्हारो पारा। भरत नाम तुम्हरो बहुन रण में हारो। नाम शत्रुहन हृदय प्रकाशा सुमिरत होत शत्रु कर नाशा। लशन तुम्हारे आज्ञाकारी सदा करत संतन रखवारी। रण जीते नहीं कोई युद्ध जुरे यम हूँ किन होई। महालक्ष्मी धर अवतारा सब विधि करत पाप को छारा। सीता नाम पुनीता गायो भुवनेश्वरी प्रभाव दिखायो। सो प्रकट भई सो आई जाको देखत चंद्र ले जाई। सो तुम रे नित पाव पलोटत नवो निधि चरणन में सिद्धि अठारह मंगलकारी। सो तुम पर जावे बलिहारी और जो अनेक प्रभुताई सो सीतापति तुम ही बनाई। इच्छा ते कोटिन संसारा
बचत न लागत पल की वारा। जो तुम्हरे चरणन चित लावे ताकि मुक्ति अब सही हो जावे। जय 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 प्रभु ज्योति स्वरूपा निर्गुण ब्रह्म अखंड अनुपा। सत्य सत्य सत व्रत के स्वामी सत्य सनातन अंतर्यामी। सत्य भजन तुम्हरो जो गावे सो निश्चय चारों फल पावे। सत्य शपथ गौरी पति की तुमने भक्त ही सब सिद्धि दीनी। सुनहु राम तुम तात हमारे तुम ही भरत कुल पूज प्रचारे। तुम ही देव कुल देव हमारे तुम गुरुदेव प्राण के प्यारे। जो कुछ हो सो तुम ही राजा जय 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 प्रभु राखो लाजा। राम आत्मा पोषण हारे जय 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 दशरथ के दुलारे। ज्ञान हृदय दो ज्ञान स्वरूपा नमो नमो जय जगपति भूपा। धन्य धन्य तुम धन्य प्रतापा नाम तुम्हार हरत संतापा। सत्य शुद्ध देवन मुख गाया बजी दुंद भी शंख बजाया। सत्य सत्य तुम सत्य सनातन तुम ही हो हमरे तन मन धन। या को पाठ करे जो कोई ज्ञान प्रकटता के उर होई। आवागमन मिटे तिहिं केरा सत्य वचन माने शिव मेरा। और आस मन में जो होई मन वांछित फल पावे सोई। तीनहु काल ध्यान जो ल्यावे तुलसी दल अरु फूल चढ़ावे। साग पत्र सो भोग लगावे सो नर सकल सिद्धता पावे। अंत समय रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। श्री हरिदास कहे अरु गावे सो बैकुंठ धाम को जावे। सात दिवस जो नेम कर पाठ करे चितला हरिदास हरि कृपा से अवसि भक्ति को पा।
राम चालीसा जो पढ़े राम चरण चित लाए, जो इच्छा मन में करे सकल सिद्धि हो जा। ओम श्री दशरथ ये विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यम् सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदया। ओम श्री दशरथ ये विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यम् सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदया। ओम श्री दशरथ ये विद्महे सवितुर्वरेण्यम् सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदया। ओम श्री दशरथ ये विद्महे सवितुर्वरेण्यम् सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदया। ओम श्री दशरथ ये विद्महे सवितुर्वरेण्यम् सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदया। दशरथ ये विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यम् सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदया। दशरथ ये विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यम् सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदया। दशरथ ये विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यम् सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदया। श्री दशरथ ये विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यम् सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदया।
तन्नो रामा प्रचोदया। श्री दशरथ ये विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदया। दशरथ ये विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदया। दशरथ अजर बिहारी सब संता
संग में वन को आए, पापी ताड़े का मार गिराए। जाए लौट के रघुवर अयोध्या आए। राम सिया जय जय राम।
चालो लक्ष्मण भाई। राम ने फिर आवाज लगाई, से उड़कर धाम
जाया। राम लखन को पाताल लाया, थे लांघे छुड़ाए। राम लखन के प्राण बचाए, के सुनाए। हम आज दशहरा पर्व की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज दशहरा पर्व की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भक्तजनों, आज हम आपको दशहरे के पावन पर्व की कथा सुनाएंगे, जिसे विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। प्रिय भक्तों, आप सभी भली भांति परिचित हैं कि श्री राम ने जब रावण का संहार किया था, तो इसी उपलक्ष में विजयदशमी अर्थात दशहरे का पर्व मनाते हैं। प्रिय भक्तों, श्री राम प्रभु ने रावण सहित अनेकों दैत्यों का संहार करने के लिए अवतार लिया था, किंतु आज हम जानने की चेष्टा करेंगे कि रावण जो एक ऋषि पुत्र और महान शिव भक्त था, उनके संहार के लिए स्वयं विष्णु जी को श्री राम अवतार में क्यों आना पड़ा।
ब्रह्मा जी के पुत्र थे भक्तों ऋषि पुलत्स्य महान, सब वेदों के ज्ञाता थे जो हुए बड़े विद्वान। करने तपस्या महागिरी पर्वत पर जो चले आए, वहां खेलने आ जाती थी ऋषियों की कन्याएं। जिनके कोलाहल से ऋषि का ध्यान भंग होता, ऋषि पुलस्य ने कई बार उन्हें आने से रोका। किंतु फिर भी आकर वो वह करती क्रीड़ाएं, ऋषि पुलस्य के ध्यान को जो के बार बार भटकाए। फिर तो वो कन्याओं पर क्रोधित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त जनों, बार बार ध्यान भंग होने पर ऋषि पुलत्स्य को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि आज के बाद जो भी कन्या मुझे दिखाई देगी वो गर्भवती हो जाएगी। इतना सुनकर सभी कन्याओं ने वहां आना छोड़ दिया, किंतु श्राप की इस बात से अनभिज्ञ राज ऋषि तृणबिंदु की पुत्री हविभ्रुवा एक दिन ऋषि पुलत्स्य के आश्रम में आ गई। जब ऋषि पुलत्स्य की दृष्टि उन पर पड़ी तो वो तत्काल ही गर्भवती हो गई। प्रिय भक्तों, जब इस बात का पता ऋषि तृणबिंदु को चला तो अपनी कन्या को लेकर वो ऋषि पुलत्स्य के आश्रम में आए और विनती करने लगे कि हे ऋषिवर, मेरी कन्या ने भूलवश आपके आश्रम में प्रवेश किया था, किंतु आपके श्राप से ये गर्भवती हो गई। कृपया इसे पत्नी रूप में अपना कर मेरी मर्यादा भंग होने से बचाए। ऋषि पुलत्स्य ने उनकी विनती को है मान लिया। हविभ्रुवा और पुलस्त्य ऋषि ने फिर तो विवाह किया। हविभ्रुवा गर्भ से फिर एक पुत्र का जन्म हुआ है। पति पत्नी ने अपने पुत्र को विश्रव नाम दिया है। जो बड़े होकर पिता के जैसे हुए बड़े विद्वान, करके कठिन तपस्या उन्होंने अर्जित कर लिया ज्ञान। महामुनि भरद्वाज की पुत्री जिनका नाम इड़विड़ा, ऋषि पुलत्स्य ने अपने पुत्र का उनसे विवाह किया। ऋषि विश्रवा भी फिर वंश को आगे बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, ऋषि विश्रवा का विवाह मुनि भारद्वाज की पुत्री इड़विड़ा से संपन्न हुआ। प्रिय भक्तों, जब इड़विड़ा और ऋषि विश्रवा को पुत्र प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपने पुत्र को वैश्रवण नाम दिया, जिन्होंने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी ने उन्हें उत्तर दिशा का स्वामी और धनाध्यक्ष बना दिया तथा उन्हें मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान भी दिया। धन का स्वामी बनाने के कारण इनका नाम कुबेर हुआ। प्रिय भक्तों, उसी समय पर राक्षस राज सुकेश के तीन पुत्र थे। तीनों बड़े ही क्रूर राक्षस थे, जिनके नाम माली, सुमाली और माल्यवान थे। तीनों भाइयों ने तीनों ही लोकों में आतंक मचा दिया था। तब सभी देवताओं की विनती पर विष्णु जी अपने गरुड़ पर सवार होकर इनसे युद्ध करने आए और उन्होंने
अपने सुदर्शन से माली और माल्यवान के शीश काट दिए। तब सुमाली भयभीत होकर पाताल में आकर छिप गए। सोच रहा है सुमाली ये पाताल लोक में आके विष्णु जी और देवों से हम कब तक रहेंगे छिपकर। पुत्र या नाती कोई वंश में हमारे ऐसा हो, महाबली महाप्राकर्मी जो जीत ले देवों को। अपने मन ही मन में उसने योजना एक बनाई, अपनी पुत्री कैकसी उसने अपने पास बुलाई और योजना अपनी पुत्री को समझाई है। ऋषि विश्रवा के पास कैकसी फिर चली आई है। षड्यंत्र को ऋषि विश्रवा समझ न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त जनों, सुमाली की पुत्री कैकसी बड़ी ही सुंदर थी और ऋषि के आश्रम में आकर अपनी कलाओं से उन्हें मोहित करके उनसे विवाह कर लिया। जब ऋषि विश्रवा को सुमाली और कैकसी के षड्यंत्र का पता चला तो उन्होंने अपनी ही पत्नी को श्राप दे दिया कि तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होने वाले पुत्र दैत्य प्रवृत्ति के होंगे। इसके पश्चात कैकसी ने उनसे विनती की कि हे स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे अपनी भूल पर पश्चाताप है कि मैंने अपने पिता की बात मानकर आपसे विवाह किया, किंतु अब मैं पूर्ण रूप से आपको समर्पित हूँ, अतः मुझे श्राप मुक्त करें। अपनी पत्नी की बात सुनकर ऋषि विश्रवा कहने लगे, मैं तुम्हें श्राप मुक्त तो नहीं कर सकता, किंतु मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होने वाला एक पुत्र विष्णु भक्त और चिरंजीवी होगा। कैकसी और विश्रवा का जो प्रथम है पुत्र हुआ, जिसको ऋषि विश्रवा ने दशग्रीव है नाम दिया। उनका दूसरा पुत्र तो कुंभकर्ण कहलाया है और तीसरे पुत्र ने नाम विभीषण पाया है। एक पुत्री भी हुई है उनकी, नाम दिया सुरपनखा। तीन भाई एक बहन, परिवार यही रावण का। ऋषि पुत्र होने के कारण हुए बड़े विद्वान, माता राक्षस कुल पुत्री थी तब ये हुए बलवान। शिक्षा दीक्षा पिता के सानिध्य में ही पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, इस प्रकार दशग्रीव ने अपने पिता विश्रवा के सानिध्य में ही शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। इधर एक दिन माता पार्वती और शिव में वार्तालाप हो रहा था, तो माता पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, आप तो सब देवों के भी देव हैं, फिर भी कैलाश पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया। इसके विपरीत इंद्रादि सभी देवगण सब ऐश्वर्य से युक्त रहते हैं। मेरी इच्छा है कि आप स्वर्ग से भी सुंदर एक नगरी का निर्माण हमारे लिए करवाएं। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, किंतु वो जब जिद करने लगी तो भोलेनाथ ने विश्वकर्मा जी को बुलाया।
भोलेनाथ ने विश्वकर्मा जी को बुलाया है, एक स्वर्ण नगरी का फिर निर्माण कराया है। ऐश्वर्यों से युक्त ऐसा तो होगा स्वर्ग नहीं, देख स्वर्ण नगरी को माता बड़ी प्रसन्न हुई। किंतु गृह प्रवेश करने का जब है समय आया, भोलेनाथ बोले के पहले जाए यज्ञ कराया। ऋषि विश्रवा को जिसके लिए हमें निमंत्रण देना, यज्ञ हवन होते ही चाहे गृह प्रवेश कर लेना। भोलेनाथ फिर ऋषि विश्रवा को ही बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, भगवान भोलेनाथ में जब विश्वकर्मा जी द्वारा स्वर्ण नगरी जो कि लंका के नाम से जानी गई, इसका निर्माण करवाया, जब गृह प्रवेश की बारी आई तो उन्होंने यज्ञ के लिए ऋषि विश्रवा को आमंत्रित किया, जिनके साथ उनकी पत्नी कैकसी भी आई थी। यज्ञ संपन्न होने के पश्चात जब दान और दक्षिणा के लिए ऋषि विश्रवा की इच्छा पूछी गई तो उनकी पत्नी कैकसी के कहने पर दान में वो स्वर्ण नगरी ही मांग ली, जिसका माता पार्वती ने स्वयं के लिए निर्माण करवाया था। भोलेनाथ ने प्रसन्नता पूर्वक ऋषि विश्रवा को सोने की लंका दान में दे दी, किंतु माता पार्वती इससे बड़ी ही क्रोधित हुई और कैकसी को श्राप दे दिया कि एक दिन इस स्वर्ण नगरी का तुम्हारे कुल सहित नाश हो जाएगा। माता पार्वती ने ही ये भक्तों दिया था सा, एक तो इसी श्राप के कारण बढ़े रावण के पास, दूजा श्राप इन्हें नल कुबेर की पत्नी ने दिया है, क्योंकि दुराचार रावण ने उससे भी किया है। माँ सीता के पूर्व जन्म की भी है एक कथा, माँ सीता का नाम है भक्तों वेदवती तब था। विष्णु जी का ध्यान लगा कर जब ये बैठी थी, आकाश मार्ग से जाते हुए रावण की नजर पड़ी। अपने पुष्पक को रावण नीचे ले आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, दस ग्रीवों को भोलेनाथ ने ही रावण नाम दिया था, इसके बारे में हम आगे चलकर बताएंगे, किंतु इस समय रावण को मिले श्रापों का हम वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहला श्राप तो इनके पिता विश्रवा का ही था, इसके बारे में हम बता चुके हैं। दूसरा श्राप माता पार्वती ने इनकी माता कैकसी को दिया था, जब छल पूर्वक इन्होंने लंका को दान में मांग लिया। तीसरा श्राप इन्हें अप्सरा रंभा के कारण नल कुबेर ने दिया था, जो कि इनके सौतेले भाई कुबेर के पुत्र थे। बात उस समय की है जब रावण स्वर्ग की अप्सरा रंभा पर मोहित हो गया। इस पर रंभा ने रावण को बताया कि मैं नल कुबेर की अर्धांगिनी बनने जा रही हूं, इस प्रकार मैं आपकी पुत्र वधु हूं। किंतु रावण ने उसकी बात नहीं मानी। जब ये बात नल कुबेर को ज्ञात हुई तो उसने श्राप दिया कि यदि तुम किसी पर स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छू लोगे तो तत्काल तुम्हारे शीश के 100 टुकड़े हो जाएंगे।
एक और श्राप इन्हें वेदवती ने दिया था। एक बार जब वेदवती विष्णु जी की तपस्या में लीन थी तो रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहे थे। रावण ने देखा कि कोई अप्सराओं जैसी कन्या अकेली वन में तपस्या कर रही है, तो रावण ने तत्काल ही अपना पुष्पक विमान नीचे उतारकर वेदवती से दुराचार करना चाहा। वेदवती ने तत्काल अपने प्राण त्याग दिए, किंतु रावण को श्राप दे दिया कि पर स्त्री के प्रति तुम्हारा मोह ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। प्रिय भक्तों, रावण को भगवान श्री राम के पूर्वज राजा अनरण्य ने भी श्राप दिया था। जो रघुवंशी राजा थे, एक युद्ध में रावण के हाथों ही राजा अनरण्य मृत्यु को प्राप्त हुए। तब प्राण त्यागने से पहले उन्होंने भी श्राप दिया कि मेरे ही वंशज के हाथों तुम भी मृत्यु को प्राप्त होगे। प्रिय भक्तों, इतना ही नहीं, रावण को उसकी बहन शूर्पनखा ने भी श्राप दिया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार शूर्पनखा का विवाह विद्युत जिह्व से हुआ था, जो कि राजा कालकेय का सेनापति था। जब रावण और कालकेय युद्ध हुआ तो विद्युत जिह्व की भी मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु से दुखी होकर शूर्पनखा ने भी रावण को श्राप दे दिया कि मैं ही एक दिन तेरे सर्वनाश का कारण बनूंगी। किंतु भक्तों, ऐसा नहीं है कि रावण पापी ही था, वो महान शिव भक्त भी था। इसके साथ ही महापराक्रमी और वेदों का ज्ञाता भी था। चारों वेद और छह शास्त्र उसने कंठस्थ कर लिए थे, किंतु अपने कर्मों के कारण वो भगवान राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। प्रिय भक्तों, आइए जानते हैं उनकी शिव भक्ति और पराक्रम के विषय में। महाप्रकर्मी था रावण और शिव का भक्त महान, विश्व विजय करना चाहता था, ऐसा था बलवान। 10,000 वर्ष तक उसने शिव की तपस्या की थी, भोलेनाथ ने ही रावण को अद्भुत शक्तियाँ दी थी। अपनी भक्ति से जब उसने भोले को किया प्रसन्न, रावण को साक्षात हुए थे भोलेनाथ के दर्शन। मांग लिया वरदान है उसने लंका में करो निवास, सोने की लंका में रहना छोड़ के ये कैलाश। भोलेनाथ उसके विनती को मान भी जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि रावण ने 10,000 वर्षों तक शिव की तपस्या की थी। हर 1,000 वर्ष में अपना एक शीश काटकर वो शिवलिंग पर चढ़ाते थे। जब 10वां शीश काटने लगे तो भोलेनाथ ने स्वयं आकर उन्हें दर्शन दिए। रावण ने वरदान मांगा कि मुझे देव, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, पशु पक्षी कोई परास्त ना कर सके। भोलेनाथ ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। स्वयं भोले ने ही इनकी नाभि में अमृत कुंड स्थापित किया था। इसके पश्चात रावण ने भोलेनाथ को लंका में चलने का निवेदन किया, जिसको भोले मान भी गए, किंतु शर्त रखी कि यदि तुम शिवलिंग को बीच राह में रख दोगे तो फिर नहीं उठा पाओगे। रावण को अपनी शक्ति पर अभिमान तो था ही, वो भी शर्त मान गया। किंतु रावण को जब लघु शंका लगी तो उसने एक ग्वाले को शिवलिंग दे दिया और स्वयं लघु शंका से निवृत्त होकर आया तो शिवलिंग को धरती पर रखा हुआ पाया। कहते हैं ग्वाला रूप में स्वयं विष्णु जी ही थे, जो शिव को लंका नहीं जाने देना चाहते थे।
इसके पश्चात रावण ने शिवलिंग को उठाने की चेष्टा की। रावण ने अपना पूरा बल आजमाया किंतु शिवलिंग को नहीं उठा सका, फिर उसे अंगूठे से दबा दिया। प्रिय भक्तों, यही बैजनाथ ज्योतिर्लिंग है जिसकी संपूर्ण कथा हमारे सोनोटेक भक्ति और त्रिमूर्ति भक्ति चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे भी अवश्य सुनिएगा। भोलेनाथ की रावण ने बड़ी कठिन तपस्या की, शिव तांडव स्त्रोत के रचयिता है रावण ही। जब चाहे भोले के दर्शन को वो चला आए, इस कारण ही अहंकार रावण का बढ़ जाए। एक बार तो रावण ने कैलाश उठाना चाहा, भोलेनाथ ने अपने पांव से नीचे जिसे दबाया, और रावण का एक हाथ भी नीचे दब गया है। पीड़ा न हुई सहन तो जोर से रोने लग गया है। रोने के कारण भोले उसे रावण बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्त जनों, कहते हैं कि एक बार रावण ने अहंकार वश कैलाश पर्वत को ही उठाना चाहा, तब भोलेनाथ ने अपने पांव से कैलाश को दबा दिया, तब रावण का एक हाथ नीचे दब गया और वो पीड़ा के मारे जोर जोर से रोने लगा। तभी भोले ने दशग्रीव को रावण कहकर पुकारा था। भक्तों, ऐसे इनका नाम पड़ा रावण। कहते हैं अभिमान सदैव विनाश का कारण बनता है, और अपने अभिमान के कारण ही रावण का वंश सहित विनाश हुआ, जिसके लिए स्वयं विष्णु जी ने श्री राम अवतार लिया। पुत्रेष्ठी यज्ञ राजा दशरथ ने भक्तों किया है, चार पुत्रों का फिर उनके घर में जन्म हुआ है। गुरु वशिष्ठ ने स्वयं किया है जिनका नामकरण, राम लक्ष्मण और भरत छोटे का शत्रुघ्न। जन्मे राजकुमार अयोध्या नगर में खुशी मनाई, चारों भाइयों ने शिक्षा भी गुरु वशिष्ठ से पाई। राजा दशरथ की सभा में विश्वामित्र हैं आए, बोले अत्याचार दैत्यों के बढ़ते ही जाए। राम और लक्ष्मण को आश्रम में बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, गुरु वशिष्ठ के साथ जाकर ही श्री राम और लक्ष्मण जी ने ताड़का और सुबाहु जैसे अनेकों दैत्यों का वध किया था। फिर ऋषि गौतम की कुटिया में आकर अहिल्या उद्धार किया। गुरु विश्वामित्र ही उन्हें जनकपुरी लेकर गए, जहां श्री राम ने शिव का धनुष तोड़कर माता सीता को पत्नी रूप में अपनाया। साथ ही माता सीता की बहन उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से और राजा जनक के भाई कुशध्वज की पुत्री श्रुत कीर्ति का विवाह भरत से, तथा श्रुत कीर्ति की छोटी बहन मांडवी का विवाह शत्रुघ्न से हुआ। अब राजा दशरथ श्री राम को राजा बनाना चाहते थे, किंतु अपने दिए एक वचन के कारण उन्हें श्री राम को 14 वर्ष का वनवास देना पड़ा।
और भरत को राजा घोषित कर दिया। माता सीता और लक्ष्मण सहित पिता की आज्ञा मानकर श्री राम वन में आ गए। पुत्र वियोग में ही राजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त हुए। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवासी होकर पंचवटी में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। छोटी बहन रावण की जिसका नाम है शूर्पणखा, सुंदर राजकुमारों को वनवासी रूप में देखा। श्री राम को मोहित उसने करना चाहा है, राम प्रभु पर नहीं चली पर उसकी माया है। शूर्पणखा फिर तो लक्ष्मण के पास में आई है, लक्ष्मण ने तो उसकी नाक ही काट गिराई है। रोते रोते शूर्पणखा रावण के पास आई, अपने भाई रावण को है आकर व्यथा बताई। इतना सुनकर रावण तो क्रोधित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भक्त जनों, अपनी बहन की दुर्दशा देखकर रावण बड़ा ही क्रोधित हुआ और प्रतिकार लेने के लिए अपने मामा मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर पंचवटी में भेज दिया। माता सीता ने प्रभु राम से कहा, मुझे ये मृग चाहिए। प्रभु राम उसे पकड़ने गए तो मायावी मृग ने प्रभु राम की आवाज में कहा, भाई लक्ष्मण बचाओ। तो माता सीता के कहने पर लक्ष्मण भी चले गए और रावण ने साधु वेश बनाकर माता सीता का हरण कर लिया। माँ सीता की खोज में राम लखन है भटक रहे, माता शबरी के आश्रम में भी वो तभी गए। प्रेम पूर्वक मीठे बेर तो शबरी के हाथों खाए, दर्शन पाकर प्रभु राम के शबरी धन्य हो जाए। किष्किंधा पर्वत पर आकर मिले उन्हें हनुमान, मित्र तक ही है फिर सुग्रीव से दिया उन्हें सम्मान। बाली वध भी प्रभु राम ने फिर तो कर दिया है, सीता माँ की खोज में तब सुग्रीव ने साथ दिया है। वानर सेना लेकर सागर तट चले आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, माँ सीता की खोज में जब राम लखन भटक रहे थे तो किष्किंधा पर्वत पर आकर उन्हें हनुमान जी मिलते हैं। हनुमान जी ने सुग्रीव से मित्रता करवाई और भगवान श्री राम ने अपने मित्र के लिए बाली का वध किया। इसके पश्चात सुग्रीव ने भी मित्रता का कर्तव्य निभाते हुए भगवान श्री राम का साथ दिया और अपनी वानर सेना लेकर माता सीता की खोज में सागर तट पर चले आए। संयोजन का सागर जब कोई योद्धा लांघ न पाया, जामवंत ने हनुमान का बल उन्हें याद दिलाया। प्रभु राम का लिया नाम और कर दिया सागर पार, आई लंकिनी राहों में उसका भी कर दिया संहार। अशोक वाटिका में आकर फिर माँ के दर्शन पाए,
देख निशानी प्रभु राम की माँ को आंसू आए। हनुमान ने ही माता सीता की धीर बधाई। बाग उजाड़ दिया रावण का और लंका भी जलाई। चूड़ा मणि लेकर माता की फिर चले आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, इस प्रकार लंका दहन करके हनुमान जी माता की चूड़ा मणि लेकर प्रभु राम के पास आए। प्रभु राम ने देखते ही हनुमान को सीने से लगा लिया। प्रिय भक्तों, जब हनुमान लंका दहन करके चले आए तो रावण के छोटे भाई विभीषण ने रावण को समझाया कि प्रभु राम को साधारण मानव समझने की भूल ना करें और माता सीता को लौटाकर उनसे क्षमा याचना कर ले। किंतु रावण ने लात मारकर विभीषण को ही लंका से निष्कासित कर दिया और विभीषण प्रभु राम की शरण में आ गए। तत्पश्चात वानर सेना की सहायता से सागर पर सेतु बनाकर लंका नगरी पर चढ़ाई की और वंश सहित रावण का संहार किया। प्रिय भक्तों, जब पाप पर धर्म की विजय हुई तो उस दिन अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि थी। इस दिन प्रभु राम ने रावण संहार करके लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इस त्योहार को विजयादशमी यानी दशहरा के रूप में मनाते हैं। धर्म की विजय हुई है, अंत में पाप गया है हार। इसी खुशी में मनाते हैं हम विजयदशमी त्योहार। बना विनाश का कारण भगतों रावण का अभिमान। करना चाहिए प्राप्त हमें भी कथा से थोड़ा ज्ञान। पाप मिटाने को धरती से प्रभु राम है आए। हंस राज रल हन तो प्रभु चरणों में शीश झुकाए। दियस पाल भी करता भगतों राम नाम गुणगान। फौज सुरेश प्रभु चरणों में लगाए रखना ध्यान। भवसागर से भगतों को ये पार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री राम।